तो करंट अफेयर्स के आज के अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ जो आने वाले समय पे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, विषय वस्तु को आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके परीक्षा के जितने भी दिन बचे हुए हैं, इन सभी समय में आप ऊर्जात्मक रहें, सकारात्मक रहें और आपकी करंट अफेयर्स की विषय वस्तु बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से एक बार आपकी रिवाइज हो जाए। तो इस अंक में मैं आगे करंट अफेयर्स की विषय वस्तु पूरी कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले के जितने भी एपिसोड हैं सारे देख लीजिएगा करंट अफेयर्स के, सब में मैंने करंट अफेयर्स वही करवाया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ये करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम हॉल पे ज़रूर मिलेगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, इतना आपको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। चलिए अब एक पेन कागज़ ले लीजिएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इससे पहले का जो करंट अफेयर्स हैं उसके भी नोट्स बना के रखिए, तो एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में ऐड करते रहिए सारे कंटेंट को, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक है, आपके सामने एक इमेज दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत फोटो है ये। गर्भ में जब आप होते हैं तो माँ के गर्भ में हम कुछ इस तरीके से ही होते हैं, ठीक है। तो संसद के द्वारा चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को क्या किया गया, इस साल जो है मार्च 2021 में संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। तो एक संशोधन था आपका चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। ये विधेयक जो था, इस विधेयक को संसद के द्वारा क्या किया गया, पारित कर दिया गया, ठीक है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, अल्टीमेट इस विधेयक का उद्देश्य ये था कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करना। इससे पहले एक कानून था गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में कानून था, इस कानून में संशोधन किया गया चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 से। अब देखिए, आम तौर पे आपको पता है कि भारत में गर्भपात कराना एक क्या है, जुर्म है, एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता के तहत इसको एक अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये विधेयक लाया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 29 जनवरी 2020 को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। और इस विधेयक के तहत चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 जो था उसके अंतर्गत ये संशोधन किया जाना है। अब देखिए इसके तहत क्या है, इससे पहले जो व्यवस्था थी कि 12 सप्ताह का जो आपका गर्भपात था, है ना, वर्तमान में जो व्यवस्था थी, जो 1971 के कानून में व्यवस्था थी, वो ये थी कि यदि गर्भपात जो करवाया जाता है गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर करवाया जाता है तो इसके लिए एक डॉक्टर से सलाह की आवश्यकता होती थी। अब इसको बदल दिया गया, इस अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस कानून से पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि यदि 12 सप्ताह के बाद का कोई भी गर्भपात है तो उसके लिए एक डॉक्टर की आपको सलाह लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा करके 12 सप्ताह से 20 सप्ताह कर दिया गया है। 12 सप्ताह से बढ़ा करके इस अवधि को 20 सप्ताह कर दिया गया है। यदि 20 सप्ताह का गर्भधारण है तो 20 सप्ताह के गर्भधारण के गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत है, पहली चीज तो ये। लेकिन मान लीजिए ये गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच का है, मान लीजिए गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच का है, यदि 20 सप्ताह के बीच का है तो एक चिकित्सक से, एक प्रशिक्षण पंजीकृत चिकित्सक से क्या होगा, सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है, परामर्श करना पड़ेगा। यदि यही आपका 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच है तो आपको दो चिकित्सकों से क्या करना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है, 20 से 24 होगा तो दो चिकित्सकों से सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन
यदि यही 20 साल से ऊपर 24 सप्ताह से ऊपर हो जाएगा तो इसके लिए एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड से आपको सलाह लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको अभी चीज़ें बताऊंगा। देखिए अभी क्या है, बहुत सारी समस्याएं भारत में महिलाओं को लेकर के, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में, ठीक है। दुष्कर्म पीड़ित जितनी भी घटनाएँ होती हैं, कई जगह पर सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क से जो पीड़ित महिलाएँ हैं, असुरक्षित बहुत सारी महिलाएं होती हैं, नाबालिग महिलाएं होती हैं, तो कई बार किसी भी कारण से गर्भधारण हो जाता है। तो ऐसे में इस कंडीशन में गर्भपात करवाया जा सके उसको लेकर के अवधि बढ़ाई गई है। उसके लिए ये जो है आपका महिलाओं के उपचारात्मक, उनके सुजनन, उनके मानवीय, उनके सामाजिक सुधार, उनके सुरक्षित और वैध गर्भपात की सेवाओं के लिए इसमें विस्तार किया गया है और चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 इसी उद्देश्य से लाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये अवधि पूछ सकता है, यूपीएससी कथन में क्वेश्चन देता है, तो आपको कथन में आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि पहले 12 सप्ताह थी, ये अवधि को अब खत्म करके 20 सप्ताह के लिए एक चिकित्सक, यदि 20 से 24 सप्ताह के बीच का मामला है तो दो चिकित्सक, और यदि 24 सप्ताह से अधिक का मामला है तो इसके लिए एक बोर्ड होगा जिसका नाम होगा मेडिकल बोर्ड। राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। उस मेडिकल बोर्ड के सलाह पे क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि भ्रूण को किसी विशिष्ट कारण से, किसी विशिष्ट विरूपता के कारण से 24 सप्ताह के अंतर्गत गर्भपात कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है ना। तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। और इस मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही सलाह दी जाएगी। इस मेडिकल बोर्ड पे होगा कौन कौन, सबसे पहले एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी इस मेडिकल बोर्ड पे, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। चार लोग हैं, आप चारों के नाम लिख लीजिए इस मेडिकल बोर्ड में क्या क्या होगा। एक तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी, दूसरी एक बाल रोग विशेषज्ञ होगा, इसके अलावा एक जो है रेडियोलॉजिस्ट होगा, जो सोनोग्राफी करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करता है, उसे ही रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो रेडियोलॉजिस्ट इसमें होगा और एक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सदस्य होगा, इन चार सदस्यों से मिलकर के एक राज्य स्तर का मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। और इस मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सलाह दी जाएगी, इसके द्वारा जो डिसीजन ली जाएगा, उसके बाद ही 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है यदि कोई विशिष्ट कारण है, विशिष्ट विरूपता है, या किसी तरीके से भ्रूण में कोई दिक्कत है। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के ये एक विधेयक में संशोधन लाया गया है। इससे पहले 12 सप्ताह की अवधि थी, इसको बढ़ा करके 20 सप्ताह, 20 से 24 सप्ताह, 24 सप्ताह से अधिक के मामलों में भी गर्भपात को लीगल करने के लिए क्या लाया गया है, एक कानून लाया गया है जिस कानून का नाम है चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस मैं आपको फास्ट ट्रैक करा रहा हूँ, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता जाऊंगा और आप इन बिंदुओं को बस एक बार देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यहीं पे क्लास में ही याद करते जाना है, बात के लिए नहीं छोड़ना किसी भी चीज को, ठीक है। तो जो मेडिकल बोर्ड होगा, उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा शारीरिक भ्रूण की जो उसकी कोई भी विषमता होगी गर्भावस्था में, उसको देखा जाएगा कि किस स्थिति में है, उसके तहत ही ये डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि गर्भपात कराया जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जिस महिला का गर्भपात किया जाएगा उसके नाम को, उसकी संबंधित जानकारियों को किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा, जो उसके खास व्यक्ति होगा, कोई खास व्यक्ति होगा उसके सामने प्रकट किया जाएगा और किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, गोपनीयता का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है, ठीक। तो ये आपका विधेयक है चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक यूपीएससी में। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विधेयक से क्वेश्चन आते हैं, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं। एक मामला है, इस मामले को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, मैंने आप लोगों को सेपरेटली भी बताया था, और ये मामला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन को लेकर के। दरअसल सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया, ठीक है। विधेयक का नाम क्या था,
सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया, जिस विधेयक का नाम है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 दिल्ली। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, मुझे जहां तक लगता है संविधानिक को जो बंद है उन सब चीजों से सबको जोड़ेंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, काफी डिबेट भी हुआ था इसमें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, ये विधेयक किस लिए लाया गया? ये विधेयक इसलिए लाया गया कि दिल्ली में सरकार कौन है, दिल्ली में सरकार कहाँ किसे जाएगा, सरकार ये होंगे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार होंगे या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होंगे। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बैठता है, इसको उपराज्यपाल का पद कहते हैं, और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भी बैठता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए है ना, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 1961 पे एक संविधान संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन, ये याद कर लीजिए, ये दिल्ली के लिए विशेष उपबंध करने वाला एक संशोधन है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया 239AA, संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 239AA, ये संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद के तहत ये बोला गया कि दिल्ली में तीन चीजें छोड़ दीजिए, इन तीन चीजों के अलावा बाकी सब पे ये कानून बना सकते हैं। पहले तो क्या किया गया, एक विधानसभा का सृजन किया गया, विधानसभा का सृजन किया गया, पहला काम ये किया गया। ठीक है, विधानसभा के सदस्य के साथ साथ 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना दी गई, 7 सदस्यीय मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बना दी गई, मंत्रिपरिषद बना दी गई, और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के बाद जो है क्या बना दिया गया, इसके बाद जो है 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के बाद इसके 3 राइट हटा दिए गए। 3 राइट कौन कौन से हैं, क्रम से याद रखिएगा, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, ये तीनों राजसूची के मामले हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, इसी को हम कानून व्यवस्था भी कहते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था लिख देता हूं मैं, कानून व्यवस्था, भूमि, भूमि और आपका पुलिस, ये तीनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राजसूची के विषय होते हुए भी इन पे काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा, बाकी अन्य मुद्दे जितने भी होंगे अन्य मुद्दों पर जो है कानून बना सकती है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा या मंत्रिपरिषद, ये सब कानून बना सकती है। तो आपको 69वां संविधान संशोधन पहली बात याद रखना चाहिए, काम की चीज है, पूछा जाएगा। ठीक है, विधानसभा का गठन और केंद्रीय दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन। तो कहीं ना कहीं पे हुआ ये मामला, ये हुआ कि दिल्ली में अभी जो ये कानून लाया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शासन संशोधन अधिनियम 2021, इसके तहत ये बोला गया कि सरकार ये नहीं है, सरकार ये नहीं है, सरकार ये है, ये है गवर्नमेंट, यानी उपराज्यपाल गवर्नमेंट होंगे दिल्ली में। दिल्ली सरकार का मतलब क्या होगा, उपराज्यपाल, ये बोला गया है। तो सबसे पहले NCR में सरकार का मतलब क्या स्पष्ट किया गया है, उपराज्यपाल का मतलब है सरकार, उपराज्यपाल का मतलब है सरकार, यानी कि राष्ट्रपति का द्वारा जो राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि हैं इसे। तो देखिए एक चीज समझिए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको क्रिटिसाइज किया गया, मैं भी इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कैसा है, लोकतांत्रिक ढांचा है हमारे देश का। लोकतांत्रिक ढांचे में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यदि है तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के सम्मुख जा करके कम से कम जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है, तो ऐसे में होना ये चाहिए। लेकिन चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो इम्पावर्ड किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा
निर्वाचित एक प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल को, उपराज्यपाल को। तो सबसे पहली चीज इस विधेयक में बोला गया है कि एनसीआर में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का तात्पर्य उपराज्यपाल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोला गया है, दिल्ली विधानसभा जिन मामलों में कानून बनाने की शक्ति है वे सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति अब इनकी हो जाएगी, इन महापुरुष की। उपराज्यपाल मतलब दिल्ली सरकार के पास जो भी पावर है वो सारी पावर इनके पास ट्रांसफर मानी जाएंगी। तो दिल्ली विधानसभा को जिन मामलों में कानून बनाने की शक्ति है अब वे सभी उपराज्यपाल के विवेकाधीन होंगी। तो इनकी पावर को बढ़ा दिया गया, विवेकाधीन होंगी, विवेकाधीन होंगी, यानी कि इनके ऊपर है कि उस कानून को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यदि दिल्ली सरकार कोई काम करती है या कोई मंत्री कोई भी निर्णय लेता है तो मंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस सबसे पहले अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि पूरी तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसको पंगु बना दिया गया इस बिल के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज आपको बिल के प्रावधान पता होने चाहिए, ये प्रावधान क्या है। एनसीआर में सरकार का मतलब, दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, दिल्ली विधानसभा जो कानून बनाती है उन कानून में इनके विवेकाधीन शक्तियां हैं, इनके पास चाहे तो उस कानून को ना साइन करें, रिजेक्ट कर लें, राष्ट्रपति के आरक्षण के लिए रख लें, जो इनकी मर्जी हो वो करें। इसके बाद सरकार व मंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है बिना इनकी अनुमति के वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो है प्रमुख प्रावधान है आपके संबंधित कानून के। इसको लेके बड़ा बवाल हुआ, बहुत विवाद हुआ सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर चुका है और उन्होंने कहा है कि मामले को जल्दी हो सके, लेकिन फिर भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार दूसरी पार्टी की है और यहाँ पे दूसरी पार्टी की है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सेंसिटिव जोन है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना है कि यदि एक चुना हुआ व्यक्ति है तो चुने हुए व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए, मनोनीत व्यक्ति की भी पावर होनी चाहिए, लेकिन चुने हुए व्यक्ति को बिल्कुल इम्पावर्ड ना करना ये कहीं ना कहीं पे समझ में नहीं आएगा आपको खुद भी, ठीक है। तो ये हो गया एक मामला, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक है अभी हाल फिलहाल में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, कई जगहों पर राज्यपाल। तो भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपाल जो अभी चुने गए हैं कम से कम आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 152 से 162 तक, ठीक है। राज्यपाल के बारे में जो उल्लेख है आर्टिकल 152 से 162 तक है, ये आपके संविधान में राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सातवां संवैधानिक संशोधन व्यक्ति जो आपका अधिनियम था जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग के उसी के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो जो सातवां संविधान संशोधन था उसमें एक प्रोविजन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति है ना, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रोविजन किया गया कि कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ऐसा प्रावधान किसमें किया गया था, ऐसा प्रावधान किया गया है आपका, ठीक। तो पहली चीज ये आपको स्पष्ट करना है, ठीक, कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये प्रोविजन किया गया सातवें संविधान संशोधन से, स्टेटमेंट आता है सही है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो दरअसल अभी हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट थे जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अभी 8 सितंबर 2021 को बेबी रानी मौर्या के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, और बेबी रानी मौर्य के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया तो उत्तराखंड के यूके के उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने, जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। तो एक तो आपको कुछ चीजें क्रम से, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल बने आपके इस समय ये बने हुए हैं।
इसके बाद अन्य राज्यों की बात करें तो चूंकि अभी पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित हैं, पंजाब के राज्यपाल जो हैं सितंबर 2021 में ही इनको भी बनाया गया, बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के राज्यपाल बने। तमिलनाडु में आरएन रवि को बनाया गया, आरएन रवि बहुत शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी, आईएएस ऑफिसर थे और आरएन रवि जो है नागा समझौते में इन्होंने लगातार काम किया था, आरएन रवि ने काफ़ी सफलता है जो एनएससीएन के साथ, जितना ये शांति समझौता है सब कुछ आप देखते हैं ना, सब आरएन रवि की देन है। तो आरएन रवि के द्वारा जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इनके द्वारा जो है क्या किया गया। इसके बाद नागालैंड के हैं आपके जगदीश मुखी साहब, नागालैंड में हैं जगदीश मुखी साहब, है ना, तो नागालैंड के जगदीश मुखी हैं, तमिलनाडु के आरएन रवि हैं, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख प्रमुख लिखवा रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं और चर्चा में रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हाल फिलहाल में अगस्त और जुलाई में भी कुछ राज्यपाल अभी बनाए गए थे, जैसे कि कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत को बनाया गया। कौन बनवाया गया? कर्नाटक के कौन है? थावर चंद्र गहलोत, पहले केंद्रीय मंत्री भी थे ये, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े हुए थे थावर चंद्र गहलोत, अभी क्या बन गए? कर्नाटक के राज्यपाल। मिजोरम के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति, हरिबाबू कंभनपति जो है मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके बाद हरियाणा में है बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र अरलेकर महोदय को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ला गणेशन है, ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में छगन भाई पटेल को बनाया गया है। गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है, गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया है और झारखंड में रमेश बैस को बनाया गया है। किसको बनाया गया? रमेश बैस को। अब एक बार फिर से मैं आपको जितने भी प्रमुख प्रमुख राज्य हैं जहां जहां पे अभी बदले हैं फिर से बता रहा हूं। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित कौन है? पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित। उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसके बाद आपके तमिलनाडु में आरएन रवि हैं, तमिलनाडु में आरएन रवि हैं। जगदीश मुखी आपके नागालैंड में हैं, जगदीश मुखी आपके नागालैंड में हैं। कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत हैं, कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत हैं। मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति हैं, मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति हैं। इसके बाद हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय हैं, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र अरलेकर हैं, राजेंद्र अरलेकर। मणिपुर में ला गणेशन हैं, मध्य प्रदेश में छगन भाई पटेल हैं, गोवा में पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं और त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य हैं और इसके बाद झारखंड में रमेश बैस हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, इस सारे के सारे क्रम से सारे जितने भी नए राज्यपाल अभी चुने गए हैं इन सभी नए राज्यपालों की, ठीक है, कहानी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 152 ये राजभवन होते हैं और इन राजभवनों में राज्यपाल का निवास होता है, निवास स्थान को राज्यपाल के राजभवन कहा जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति भवन है वैसे ही हर राज्य में राजभवन बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक डिमांड की गई है, ये भी आपका, अब देखो संविधान के अनुच्छेद जुड़ जाएंगे इससे। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बोला गया है कि हमें विधान परिषद चाहिए। क्या चाहिए हमें? विधान परिषद चाहिए, विधान परिषद चाहिए हमें। तो विधान परिषद के गठन को लेकर के डिमांड की गई है, मांग की गई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया है 2/3 बहुमत से। ठीक है, अब आपको पता है विधान परिषद भारत के हर राज्य में नहीं है, जो हमारे देश की राज्यों के स्तर पर विधायिका है उसको विधानमंडल कहते हैं। राज्यों की विधायिका को क्या बोला जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विधानमंडल। क्या बोला जाता है? विधानमंडल। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानमंडल के दो सदन होते हैं। पहला सदन जो है इसको विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा कहा जाता है, और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है,
विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, क्लियर है, दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। हर जगह विधान परिषद नहीं है, अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, 6 राज्य। ठीक है, विधायिका मतलब विधि निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका विधायिका सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, है ना। तो 6 राज्यों में है स्टेट यूनियन टेरेटरी, कहां कौन सी यूनियन टेरेटरी में विधान परिषद है भाई ये बताइए। जम्मू काश्मीर खत्म हो चुका है अब आपका, जम्मू काश्मीर में कोई विधान परिषद नहीं है, 2019 में जम्मू काश्मीर से विधान परिषद का उत्सादन कर दिया गया है। ठीक है, अब वहां पे केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा, ये ध्यान रखिएगा। अभी 6 राज्यों में है, एक आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका तेलंगाना है, तेलंगाना है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश है, चौथा आपका बिहार है। ठीक है, चौथा आपका बिहार है, तो यूपी बिहार ये हो गए। इसके बाद एक है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और दूसरा है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है, टोटल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये टोटल कितने हैं, 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में हैं, जम्मू काश्मीर में था, अब नहीं रहा, जम्मू काश्मीर में अब नहीं है। तो अब टोटल संख्या आपको याद रखनी चाहिए, टोटल कितने हैं ये, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू काश्मीर में नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं, आर्टिकल 169 है आपका, भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 ये क्या कहता है कि किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करना है तो इसके लिए एक संकल्प पारित करना पड़ेगा राज्य की विधानसभा से, और उस संकल्प को विशेष बहुमत से पारित करना होगा, यानी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, फिर इसके बाद संसद के पास भेजना होगा, और फिर संसद विधि बना करके राज्य में विधान परिषद को या तो बना सकती है या तो खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक आर्टिकल आपका 171 है, 171 है, आर्टिकल 171 में ये बोला गया है कि विधान परिषद वाला जो भी राज्य होगा, जिस राज्य के पास विधान परिषद होगी, उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी टोटल संख्या कितनी रखी गई है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय 403 सीटें हैं टोटल, 403 सीटें, और विधान ये है विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें टोटल कितनी हैं, विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में सीटें हैं आपकी कितनी है टोटल, विधान परिषद की सीटें हैं 100, विधानसभा की कितनी है 403, पहले एक एंग्लो इंडियन कैटेगरी था वो भी खत्म हो गया, तो ये टोटल 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, आर्टिकल 171 में बोला गया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या किया गया है, विधानसभा के सृजन को लेकर के डिमांड की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। विधानसभा विधान परिषद का कैसे सृजन होता है, क्या होता है, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एक बात, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मंत्रालय बनाया गया, नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया अभी। ठीक है, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और आपको पता होगा भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था। ठीक है, क्या संशोधन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन किया गया था, 97th अमेंडमेंट किया गया था, और जो 97th अमेंडमेंट था इसके में संशोधन किया गया, कब किया गया, 2011 में, और इस संशोधन के माध्यम से भारत में जो भी सहकारी समितियां काम कर रही हैं उन सहकारी समितियों के लिए संविधान में भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ दिया गया, भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, 9B, जिसके तहत जो है क्या किया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आपके DPSP हैं, DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 43B जो आपका है, अनुच्छेद 43B है, उसके तहत लिखा हुआ है कि सहकारी समिति को बनाया जा सकता है।
ठीक है, सहकारी समिति को बनाया जा सकता है, उसकी स्वायत्तता को लेकर के काम किया जा सकता है, उसको लेकर के डिस्कस किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर एक व्यापक चर्चा परिचर्चा की गई है। तो सहकारी समिति के निर्माण के लिए एक तो राज्य के नीतिशक तत्व में बात की गई है, ठीक है, किसमें डिस्कशन किया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, पहली चर्चा तो यहाँ की गई है सहकारी समितियों की। अब दूसरा क्या किया गया है, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया मूवमेंट किया गया और इसके तहत एक सहकारिता आंदोलन बनाने की बात की गई है। क्या की गई है, एक सहकारिता आंदोलन को बनाने की बात की गई है देश में। और पहले सहकारिता मंत्री हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, अमित शाह जी, पहले देश के सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह जी। तो सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है आपका, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। ये आपको थोड़ा सा जानकारी, बहुत बेसिक है, बहुत पूछता है कि हाल फिलहाल में कौन से नए मंत्रालय का सृजन किया गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में भी सहकारी सोसाइटी बनाना आपका एक फंडामेंटल राइट है ना, ये अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत है, तो इसके तहत भी इसको रखा गया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी तरीके से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए कई सारे, मतलब ये बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि बस एक लास्ट बार, एक बार आपकी नज़र पड़े सरसरी और आपको जानकारी इनको लेकर के हो, आपको इसको लेकर के पता हो चीज़ें, ठीक। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रहा है सभी को, लिख रहे हैं, सहकारी मंत्रालय के जो पहले मंत्री अमित शाह महोदय, ठीक है, सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है अभी जितना कुछ समझाया, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो थोड़ा बताओ थोड़ा, ये केवल मैं ही तो नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं केवल मुझे समझ में आ रहा हो, आप लोगों को नहीं आ रहा हो। हाँ, भारतीय संविधान का 57वां संविधान संशोधन, बड़ा विवाद था दरअसल, राज्यों के द्वारा विरोध किया गया था इस मुद्दे का, राज्यों ने कहा कि भाई जो सहकारिता है या स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ये किसके हाथ में है, राज्य सरकारों के अंतर्गत है, राज्य सूची के बीच है, और इस पर जो है कानून बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए संविधान संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको लेकर काफ़ी विरोध भी किया गया था, है ना, बहुत सारा इसको लेकर विरोध भी हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ठीक है। हाँ, सहकारिता आंदोलन 1994 में जो है एक मुखर रूप से देखने को मिलता है। नोट्स बना रहे हैं ना सब लोग, लिख रहे हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि लिख नहीं रहे हो आप लोग, सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स सभी को बनाना है, सभी छात्रों को साथ साथ नोट्स बनाते जाना, और जितने एपिसोड मेरे क्रम से रखिए, आपका करंट अफेयर्स बेहतर ही रहेगा और आपको मजा आ जाएगा करंट अफेयर्स में। हाँ ठीक है, हाँ लिख रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अभी करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक और करेंगे, एक दो टॉपिक और करेंगे, इसके बाद कल मैं आपको थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है, आप क्योंकि समय कम बचा है इसलिए थोड़ा सा प्रयास रहेगा कि गति ज़्यादा तेज करें, है ना, समय का थोड़ा सा अभाव भी है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, एक तो 24 वाले में ज़्यादातर बच्चे दे रहे होंगे 24 अक्टूबर को, और 10 वाले में भी बच्चे जा रहे होंगे, लेकिन देखो कोई नहीं, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करना बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करना है आप लोगों को, डरना नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा ये समझ लीजिए, ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। डर के आगे जीत है। हाँ क्लास, ये देखिए आपकी रेगुलर एग्ज़ाम इंडिया पे करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को भेज ही रहा हूँ,
कंटिन्यूस आपको करंट अफेयर्स भेज रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम इंडिया पे। यहाँ पे आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के जो एपिसोड मेरे होंगे यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, मैं निरंतर ही रखूँगा इसको, ठीक है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको ये कंटिन्यूस चीज़ें मिलती रहें, उपलब्ध होती रहें। चलिए, किसी को यदि कुछ पूछना हो, करंट अफेयर्स की क्लास आपके एग्ज़ाम तक चलेंगी, जो आपका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम तक ये कंटिन्यूस चलेंगी। PCS में भी करंट अफेयर्स आता है, बिल्कुल। PCS में तो 30 क्वेश्चन मान के चलिए आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने मास्टर वीडियो टाइमली इसीलिए दे दिया है। हाँ, रात को 10 बजे भी क्लास होगी, आज रात को 10 बजे भी क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। अब आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये सहकारिता मंत्रालय को लेकर के है कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी इकाई बनाई गई है और ये नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मंत्रालय में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सरकारी समितियों के विकास के लिए काम करेगा और इस नए मंत्रालय के माध्यम से सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो सहकारी मंत्रालय जो है ये मुख्य तौर पे सहकारिता आंदोलन को प्रमुखता देने के लिए, प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, जमीनी स्तर पर सहकारिता जन आधारित आंदोलन को सक्रिय रूप देने के लिए, है ना, इसके अलावा सहकारी समितियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने में काम करेगा ये मंत्रालय। लद्दाख वाले क्षेत्र पर एक आपका विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, लद्दाख वाले क्षेत्र पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका नाम हैगा सिंधु विश्वविद्यालय। क्या नाम होगा? सिंधु विश्वविद्यालय। तो लद्दाख क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका नाम है सिंधु विश्वविद्यालय। अब जब भी कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा समझ लो, लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ये जो है लद्दाख में जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपका कहीं पर भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कानून लाना पड़ेगा। तो अभी एक कानून लाया गया जिसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय विश्वविद्यालय विद्यालय संशोधन संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021। ये बिल आया है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021, ये बिल आया है और इस बिल के तहत जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा इसके तहत? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा, तो 2009 के कानून को संशोधित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2009 का जो कानून है उसको संशोधित किया जाएगा। साथ ही
इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, सिंधु केंद्रीय, आपको पता है लद्दाख जो है सिंधु नदी के किनारे है और भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है और ये विश्वविद्यालय जो होते हैं शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग है ना, तो हायर एजुकेशन को लेकर के ये पूरा का पूरा जो है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है सिंधु विश्वविद्यालय। ठीक है, क्लियर है। अब अगला है और अंतिम है, ठीक है, ये जब उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी गए थे और ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर उन्होंने जो है जल भी किया था। अब एक अगला है, किराएदारी के लिए एक कानून लाया गया है। ठीक है, किराएदारी के लिए कानून लेकर के आया गया है और इससे भी मेरे हिसाब से यूपीएससी में उम्मीद है कि शायद क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, किराएदारी को लेकर के एक कानून लाया गया है। कानून का नाम क्या है? हाँ, मॉडल किराएदारी कानून, मॉडल टेनेंसी एक्ट। किराएदारी को लेकर के एक कानून लाया गया है जिसका नाम है मॉडल किराएदारी कानून। देखो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है किराएदारी। आप लोग भी अपना घर, हो सकता है आप लोग के पास अतिरिक्त कमरे हों, अतिरिक्त घर हों, तो लोग किराएदार, बहुत सारे लोग पास जिनके पास घर नहीं है या कोई बाहर आता है, जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो किराए का मकान लेते हैं आप लोग, तो उसको लेकर के ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक कानून पारित किया गया 2 जून 2021 को, एक कानून पारित किया गया 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मॉडल किराएदारी कानून को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और ये जो कानून है ये राज्य सरकारों के द्वारा लागू किया जाना है, लागू करने का, पारित तो केंद्र सरकार ने किया लेकिन लागू कौन करेगा? राज्य सरकारें केंद्र शासित प्रदेश के अपने हिसाब से लागू करेंगी, अपने हिसाब से वो इनको डेवलप करेंगी। और ये आवास और शहरी क्षेत्र, जो भी शहरी क्षेत्र है तो उनके द्वारा जो है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ये लागू होगा, शहरी क्षेत्र पे भी लागू होगा ये और ग्रामीण क्षेत्र पर भी लागू होगा। अब देखो इसमें है क्या, इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय करेंगे हर राज्य में। सिक्योरिटी होती है कोई कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, 4 महीने, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा मकान मालिक के द्वारा जब भी घर खाली कराना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी डीड बनेगी उस डीड में या फिर जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया जाएगा। अभी जो डीड बनती है उसमें मकान मालिक अपने जो है अधिकारों की बात तो करता है लेकिन किराएदारों के राइट्स की बात नहीं होती है, तो अब मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की बात की जाएगी। एक लिखित समझौता होना अनिवार्य है, यानी कि यदि आप किराएदारी पे अपना घर उठा रहे हैं तो आपको एक एग्रीमेंट बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाएगा इसके लिए यदि कोई भी मामला होता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपके घर में कोई किराएदार है और या आप कहीं पे किराएदार हैं तो यदि आप खाली नहीं करते हैं तो इसके लिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सिंपल साफ सी बात। इसके लिए क्या है, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, स्वतंत्र ट्रिब्यूनल्स होते हैं, राइट कोर्ट बोलते हैं इनको, राइट कोर्ट बनाए जाते हैं। और ये जो है इसका जो ये राइट कोर्ट होते हैं इसमें डिप्टी कलेक्टर या इनके समकक्ष अधिकारी के द्वारा एक कोर्ट जो है चलाए जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स होते हैं और उन ट्रिब्यूनल्स में आपको जाकर के रिपोर्ट करनी होती है, वहां पर जाकर के आपको हलफनामा दायर करना होता है और अपने मालिकाना हक को लेकर के आपको, तो कई बार होता है, कई बार जो आप किराएदार रखते हैं यदि वो कई बार किराए नहीं देते, किराए नहीं देने के बाद जो है वो आपका घर खाली नहीं
नहीं करते तो बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए ही ये कानून बनाया गया। इसलिए कभी किसी को भी किराए देने से पहले आपको जो आपका राज्य हो उस राज्य में जो मॉडल किराएदारी कानून हो, मॉडल टेनेंसी एक्ट हो, उस टेनेंसी एक्ट के तहत एक डीड जरूर बना लीजिए। उस डीड के तहत ही फिर बाद में उस डीड को बनवाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है यदि आप औपचारिक तौर पे किराएदारी और इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। और यदि आप लोग भी कहीं रहते हैं, मकान मालिक आपसे डीड साइन कराता है, एग्रीमेंट साइन कराता है, रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, तो आप भी उसको लेकर हिचकिए ना, वो आपकी सुविधा के लिए भी है और मकान मालिक की सुविधा के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करूंगा, एक एक दिन में, मैं एक दिन में राष्ट्रीय, एक दिन में अंतर्राष्ट्रीय, एक दिन में, तो अभी जितने दिन बचे हैं और गति बढ़ाएंगे और बहुत गति से बहुत कम समय में पूरा का पूरा लगभग हम प्रयास करेंगे कि हम